नमस्कार, टिकट सेंसर में आपका स्वागत है। और जहाँ पर हम बात करें फास्ट एक्स की, यानी कि फास्ट टाइम फ्यूरियस के 10वें पार्ट की, तो उसका ट्रेलर जो है कल रिलीज हो चुका है। जहाँ पर ट्रेलर देखने वक्त तो बहुत ही कन्विंसिंग नज़र आ रहा है, जैसे कि उनकी पहली सीरीज थी, जहाँ पर खतरनाक मिशंस, स्टंट्स एंड जो फाइटिंग सीन्स थे वो काफ़ी खतरनाक थे। अब इस मूवी के ट्रेलर में भी जो है उन्होंने वही प्लॉट कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर कहानी जो है फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, और इसमें बाकी जो नौ पार्ट्स थे उनके सभी विलन जो है वो साथ आकर जो है काम करेंगे। और इसे भी जो है डायरेक्ट किया है लुईस लेथर्स ने, जिसमें कहानी बताई जा रही है कि फैमिली को जो है विन डीजल के फैमिली को, यानी कि डोमिनिक के फैमिली को जो है जेसन मेमोआ, जो कि डेंटे का जो है किरदार निभाने वाले हैं, जो कि विलन होने वाले अब तक का सबसे बड़ा फास्ट सीरीज का, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है सबसे बड़ा विलन होने वाला है। और वहाँ पर जॉन सिना, संग कैंग एंड लूडिस क्रिप भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है जेसन मेमोआ है कुछ करने वाला है, जिसके बदौलत जो है कोई तो फैमिली मेंबर्स जो है उसकी डेथ होने वाली है, ऐसा क्लू इस ट्रेलर में दिखाया जाता है। बट अभी तक वो रिवील नहीं किया गया है कि वो शख्स कौन है मरने वाला। तो पिछले सीरीज में जो है पॉल वॉकर को जो है एआई की मदद से हमें दिखाया गया था, तो हो सकता है एआई की मदद से ही उसने दिखाया जाए कि पास्ट में जो है वो फास्ट एक सीरीज में कैसे मारा गया, जिसको हो सकता है कि देंते ने मारा हो या फिर जकोब ने मारा हो, जो कि जॉन सिन्हा ने भूमिका निभाई थी। और द रॉक का इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आ रहा सामने, जो कि मुझे लगता है कि हिडन रखा हो वो मूवी के लिए रखा हो उनका प्लॉट से, तो यानी कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के, जो कि हमें हो सकता है कि सिर्फ मूवी में दिखाया जाए थिएटर्स के अंदर। तो आपने ये ट्रेलर देखा क्या और आपको कैसा लगा? तो ये ट्रेलर मुझे तो काफी बढ़िया लगा, बट इसका जो टाइमिंग है वो 4 मिनट के आसपास है, तो काफी लंबा ट्रेलर है ये। तो चलिए देखते हैं कि मूवी आने के बाद क्या होता है क्या नहीं। अगर आपको हमारा इस रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।